हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं प्रतीक वराड़े एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं ओला S1 Pro और ओला S1 Air के जो डिफरेंसेस है, मेनली जो फीचर्स है इनके, और उसके बाद में जो इसमें रेंज आती है, बैटरी आती है, ये सब आज हम पूरा का पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। यही नहीं बल्कि जो दोनों गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइजेस है वो भी आज हम इस वीडियो में डिटेल देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप इनमें से कोई भी मॉडल लो, कंपनी आपको जो है चार्जर एज वेल एज एक गाड़ी के साथ में दो हेलमेट जो है कम्प्लीटली फ्री देने वाली है। यही नहीं बल्कि जो लास्ट मंथ जो था, मतलब कि फेब्रुअरी, उसमें आपको लगभग ये गाड़ियों पे 15,000 का जो डिस्काउंट था वो कंपनी ने दिया था, लेकिन हालांकि वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। और भी अगर आप लोग इसकी जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने जो है ओला एक्सपीरियंस सेंटर जो कि लोकेटेड है श्रद्धा विहार बडनेरा रोड अमरावती में, इनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो राइट साइड में आप गाड़ी देख रहे हैं ये है ओला S1 Pro, और जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये है ओला S1 Air। तो देखिए अब इन दोनों में जो है फ्रंट साइड से आपको क्या डिफरेंसेस है। फ्रंट साइड से देखिए कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, दोनों की दोनों जो गाड़ियाँ हैं एकदम सेम रखी गई है। दोनों में अगर हम देखें तो हेडलैम्प आपको जो है ये कम्प्लीटली LED मिलने वाले हैं फॉर द लो बीम एज वेल एज फॉर द हाई बीम। उसके बाद में अगर हम इंडिकेटर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो LED इंडिकेटर से दोनों मॉडल्स में आपको LED इंडिकेटर मिलने वाला है। उसके बाद में अगर हम सस्पेंशन देखें तो फ्रंट सस्पेंशन जो है दोनों गाड़ियों में आपको सेम मिलते हैं, जो कि ट्विन टेलीस्कोप सस्पेंशन है। तो डिफरेंस देखिए क्या है, जो इसके अलॉयस है इसके डिज़ाइन थोड़ी चेंज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल से रखे गए हैं। उसके बाद में देखिए जो पुराना वाला S1 Pro का मॉडल था वहाँ पे जो था आपको एक सिंगल सस्पेंशन मिलता था, लेकिन अभी जो नया मॉडल आया है इसमें आपको ट्विन सस्पेंशन देखने मिल जाएंगे। तो देखिए अभी साइड में आते हैं, तो साइड में देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों मॉडल्स में। तो साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है ड्रम ब्रेक मिलते हैं सिंपल वाले, वेयर एज आपको जो प्रो मॉडल है इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए साइड से क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं दोनों गाड़ियाँ लगभग जो है दिखने में सेम ही है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है बेल ड्राइव मिलने वाला है, वेयर एज अगर हम इसमें देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मोटर है डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद में जो बड़ा डिफरेंस है, तो इसमें जो मिलता है आपको मोनो सस्पेंशन मिलने वाला है जो कि रियर वाला है, और उसमें जो है आपको ड्यूअल शॉक मिलने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं ये आपको ड्यूअल शॉक सस्पेंशन यहाँ पे देखने मिल जाएगा, वेयर एज इसमें जो है आपको सिंगल मोनो सस्पेंशन ही देखने मिलने वाला है। और क्या डिफरेंस है, तो और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है प्रो मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक भी मिलता है, वेयर एज जो एयर है इसमें आपको सिंपल सा ड्रम ब्रेक ही देखने मिल जाएगा। रियर में देखिए, रियर में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है लेकिन वो इतना नोटिसेबल नहीं है। तो वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो मॉडल में जो है जो बॉडी कलर्ड है वही आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, वेयर एज जो एयर वाले मॉडल है इसमें आपको कम्प्लीटली ब्लैक देखने मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी ने इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो प्रो मॉडल है इसमें आपको कोई भी कवर नहीं मिलता है, ये कम्प्लीटली ओपन रखा गया है, वेयर एज ये मॉडल एयर का होके भी इसमें आपको जो है अच्छा खासा केसिंग देखने मिल जाएगा। तो ये तो थे कुछ एक्सटीरियर डिफरेंसेस। और जो है पहली जो पुरानी ओला आती थी आप देख सकते हैं ये फ्लैट बोर्ड नहीं आता था, जिससे कि जो है आप लगेज प्रॉपरली स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप नया मॉडल देखोगे तो इसमें जो है पूरा का पूरा फ्लैट बेड दिया गया है। तो ये तो थे कुछ डिफरेंसेस। और देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है वो दोनों गाड़ियों में आपको सेम ही देखने मिलने वाला है। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये 7-inch टच स्क्रीन डिस्प्ले है, जहाँ पे आपको अच्छे खासे फीचर्स जो है देखने मिल जाएंगे, सेम जो इस गाड़ी में मिलने वाले हैं वही आपको इस गाड़ी में भी मिलने वाले हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी आपको दोनों मॉडल्स में मिलने वाला है, इंडिकेटर के लिए बटन, उसके बाद में रिवर्स के लिए ये जो है हॉर्न, इस तरह के कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है ये दोनों गाड़ियों में आपको देखने मिल जाएंगे। ब्लूटूथ स्पीकर, GPS नेविगेशन, ये जो ऐसे कुछ फीचर्स है ये आपको दोनों मॉडल्स में देखने मिल जाएंगे। तो ये हो गए दोनों गाड़ियों के कुछ डिफरेंसेस। तो चलिए अभी जो गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ओला S1 Pro है, कंपनी ने इसकी जो रेंज बताई है वो लगभग बताई 195 किलोमीटर,
जो कि आप रियल लाइफ में लगभग 150-160 के ऊपर ही देने वाली है विथ सिंगल पर्सन, ठीक है, और वो भी इको मोड में। वेयर एज जो एयर है इसमें आपको कंपनी की सर्टिफाइड जो रेंज है 151 किलोमीटर्स बताई है, ये आप पकड़ के चल सकते हैं 120-130, ठीक है। उसके बाद में टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो ये 120 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है, वेयर एज इसकी जो टॉप स्पीड है ये 90 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद में एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो ये ओला S1 जो प्रो मॉडल है ये थोड़ा सा फास्ट है, उसमें मिलता है आपको 2.6 सेकंड्स में ये 0-40 चली जाती है, वेयर एज इसको थोड़ा टाइम लगता है 3.3 सेकंड्स। उसके बाद में अगर हम पिक पावर की बात करें तो उसमें मिलता है आपको 11 किलोवाट का पिक पावर, वेयर एज एयर में मिलता है आपको 6 किलोवाट का पिक पावर। उसके बाद में अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी प्रो मॉडल है इसमें मिलता है आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी, वेयर एज इसमें मिलती है आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी। सो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से जो है जो चार्जिंग टाइम डिफरेंस आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, इसको लगभग 6.5 आवर्स लग जाते हैं लगभग 100% चार्ज होने में, वहीं पे ये थोड़ी जल्दी चार्ज होती हो जाती है 5 आवर्स में, ठीक है। इसमें मिलते हैं आपको टोटल 4 मोड्स जो कि है हाइपर, स्पोर्ट्स, नॉर्मल एंड इको, वेयर एज जो हमारा एयर मॉडल है इसमें मिलता है आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो ये हो गए गाड़ी के जो टोटल जो हमने देखे डिफरेंसेस और फीचर डिफरेंसेस। अभी आते हैं इसके प्राइस पे, तो यहाँ पे देखिए ओला S1 प्रो जो है ये आपको लगभग पड़ जाती है 1,62,800 रुपीस की ऑन रोड प्राइस सब्सिडी काट के। उसके बाद में जो है हमारी एयर मॉडल है 1,32,000 के आसपास ही आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। तो डिफरेंस देखिए डिफरेंस क्या है, लगभग दोनों गाड़ियों में जो है 31,000-32,000 का जो डिफरेंस है वो दोनों गाड़ियों में है। तो अभी देखिए ये गाड़ी किसने लेनी चाहिए और ये गाड़ी किसने लेनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा जो बजट है वो थोड़ा सा टाइट बजट है और ठीक ठाक आपको फीचर्स चाहिए तो आप एयर के साथ में भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। रेंज में भी देखिए इतना खासा कुछ फ़र्क नहीं है, 40 किलोमीटर्स का कंपनी ने बोला है, तो लगभग आप 30 किलोमीटर्स का डिफरेंस पकड़ के चल सकते हैं। वेयर एज अगर आप थोड़ा 31,000-32,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं सो आपको जो है डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स जो है एक्स्ट्रा आपको इस मॉडल में मिलने वाले हैं। वैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जो है इन गाड़ियों में दोनों में भी आपको ऑटो होल्ड फीचर देखने मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।